हमको विभिन्न तरीके के दुष्कर्मों के बारे में बताया गया है कि हम पाप कर्म ऐसा करते हैं, हम दुष्कर्म ऐसा करते हैं, हमको ऐसा करना चाहिए, हमको वैसा करना चाहिए, हम यहाँ करेंगे वहां भरेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर हम किसी भी तरीके का अकुशल कर्म करते हैं, आपने मेरे पीछे पीछे बोला ओकाश वंदामी भंते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मे भंते जी, मतलब ये पाली भाषा में है जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, उसी तरीके से तथागत के जमाने में आम जनमानस की भाषा अर्धमागधी पाली हुआ करती थी। तो तथागत ने जो धम्म का देशना दिया, धम्म का उपदेश दिया मानव के कल्याण के लिए, उनकी लोक भाषा पाली में दिया। तो आप सबसे पहले क्षमा याचना करते हैं, क्या बोलते हैं, ओ काश वंदामी भंते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मे भंते जी। क्या हम सिर्फ तीन तरीके का ही अकुशल कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं? कौन सा? पहला अकुशल कर्म हम मन का करते हैं, दूसरा अकुशल कर्म हम बाड़ी का करते हैं, तीसरा अकुशल कर्म हम काया का करते हैं। इसी तरीके से हम अपने दुखों को जन्म देने के लिए हम खुद जिम्मेदार है, इसमें दूसरा तीसरा चौथा कोई जिम्मेदार नहीं है। हम अपने जीवन में अगर सुखी हैं तो उसके 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इसलिए कि जो अकुशल कर्म मन का, हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, हम निंदा करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम तमाम तरीके की जो ऐसी सारी कार्य करते हैं, सबसे पहले वो मन में उत्पन्न होता है, इसलिए वो मनोमय है। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कं वा वातो पदं। अर्थात सबसे पहले कोई भी विचार उत्पन्न होता है मन में उत्पन्न होता है, इसलिए वो मनोमय है। जब हम ततो नंग दुख मन वेति चक्कं वा वातो पदं, अगर हम प्रदुष्ट मन से, दूषित मन से कोई भी विचार करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो ततो नंग दुख मन वेति चक्कं वा वातो पदं, तो दुख हमारे पीछे वैसे आता है जैसे बैलों के पीछे बैलगाड़ी का पहिया। ऐसे ही मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मन वेति छाया वन पायनी, और हम प्रसन्न मन से, और हम प्रसन्न मन से कोई काम करते हैं तो सुख हमारे पीछे वैसे आता है जैसे कभी न छोड़ने वाली छाया। इसलिए सर धम्म की जरूरत है, इसलिए धम्म को धारण करने की जरूरत है। धारण करे तो धम्म है वरना कोरी बात, धारण करे तो धम्म है वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। इसलिए जो बुद्ध का बात है, बुद्ध की जो देशना है, बुद्ध का जो मार्ग है, वो जीवन में उतारने की चीज है। जब हम तब जब तक जीवन में हम नहीं उतारेंगे तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आज बाबा साहब ने हमको धम्म दीक्षा दी हुए 63 साल हो गया, आज हम अपने आप को क्यों कहते हैं, हम अपने आप को किस सबसे संबोधित करते हैं? एक शब्द हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं दलित हैं या बौद्ध हैं? जोर से बोलिए, दलित हैं कि बौद्ध हैं? बौद्ध हैं। तो जब बौद्ध है फिर क्यों दलित कहते हैं आप अपने आप को? बहुत सारे लोग भाषण देते हैं वी आर नॉट दलित, वी आर बुद्धिस्ट, वी आर ओनली बार बुद्धिस्ट। सो हम जब बौद्ध है तो हमको इंटरनेशनल कनेक्शन बनाना चाहिए। अरे इतना करवा दिया ना, इंटरनेशनल कनेक्शन बनने के लिए जो भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है उनसे कनेक्शन करने के लिए आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। भारत का रिप्रेजेंटेटिव जब दुनिया में कॉन्फ्रेंस होता है, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होता है, तो कोई बौद्ध नहीं बन करके जाता है। तो मिश्रा जी, तिवारी जी, पांडे जी, शुक्ला जी, ये रिप्रेजेंटेटिव बन करके जाते हैं और बोलते हैं कि वी आर इंडियन बुद्धिस्ट,
We are coming from land of the Buddha. We are representative of the India and the Buddhist representative. ये बोलता है वो। हम अपने आप को इतना काबिल बनाए, हमको अपने आप को काबिल बनाना है, हमको एग्जाम्पल देना नहीं, हमको एग्जाम्पल बनना है। क्योंकि तथागत बुद्ध से लेकर के जितने भी हमारे आइकन रहे हैं, सबने ऐसी परिस्थिति में संघर्ष को अंजाम दिया है जब हमारे पास तमाम तरीके के जितने भी फैसिलिटीज आज हम यूज कर रहे हैं वो सारी सुविधाएं थी ही नहीं। इसलिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन डे को मना रहे हो तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार हाथ बताओ कि आप लोगों के घर में कितने लोगों के घर में संविधान की किताब है, हाथ उठाओ, बताइए, गिनती के लोग हैं। आखिर क्यों? सबके घर में लगभग ये वाला फोन तो होगा ही होगा, है ना, सबके घर में होगा। लेकिन 100 रुपए की किताब, 200 की किताब क्यों नहीं है, जिसमें आपका पूरा राइस है, जिसके माध्यम से आप अपने हर एक तरीके के जो एट्रोसिटीज होते हैं, आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आपके समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको आगे से बढ़ करके रोकने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स प्रोवाइड है, उपलब्ध है। तो आज रिफ्रेश होने का दिन, क्योंकि रिफ्रेश का मतलब हम संकल्प करते हैं, ये संकल्प का दिन होता है। जो भी जिन महापुरुष के हम जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आज कॉन्स्टिट्यूशन, आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को हमारा संविधान संविधान सभा में एडॉप्ट किया गया था, इसलिए हम संविधान को सेलिब्रेट कर रहे, संविधान दिवस को सेलिब्रेट कर रहे, मना रहे। इसके साथ उन सभी महापुरुषों को, जिन महापुरुषों की आप जयंतियां मनाते हो, उनकी जयंती मनाने के साथ साथ उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। अन्यथा जिस तरीके का आज जो सिचुएशन है, आपके राइट्स को धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। जब तक विचार नहीं उतार लेंगे, तब तक आप हजार बार जयंती मनाएंगे, किसी भी महापुरुष की नहीं बदलने वाला है। और दूसरा, आप अपने आप को बिकना बंद कर दीजिए। लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, हम कांसेराम साहब को पढ़ते हैं, हम ज्योतिबा बाई फूले को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं आप लोग? अगर जिस दिन से सही से पढ़ लिया, उस दिन से आपके अंदर वो आग लग जाएगी, क्रांति की आग लग जाएगी। जब तक जीवन रहेगा, तब तक आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जो बाबा साहब अंबेडकर के उन मिशन और मूवमेंट के खिलाफ है, जिसके कारण उनका मिशन पीछे जाने का, पीछे जाता है या पीछे जा रहा है, नहीं तो फिर अपना छोड़वा देंगे। तो इसलिए आप लोग को मेरा एक छोटा सा मैसेज है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे स्पीकर है, मेरा एक छोटा सा एक छोटी स्टोरी बताऊंगा साउथ इंडिया की। नंगेली के बारे में कितने लोग जानते हैं? माता नंगेली के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। माता नंगेली केरला की बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी थी, महिला थी, आज की 200 साल पहले। माता नंगेली के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं वो मालूम था। एक बहुत अच्छी स्पीकर है डॉक्टर मुन्नी भारती, मैंने उनको कार्यक्रम में बुलाया था, उनके माध्यम से मुझको पता चला। माता नंगेली जो आज आप ब्लाउज पहने हो, ऐसा नियम था यहाँ अंग्रेजों के बाद इनका उनका शासन चलता था, चोटी चोटी वालों का, ठीक है, जनेऊधारियों का यहाँ पे शासन चलता था। अंग्रेज तो थे ही, प्लस उनके बाद इनका शासन चलता था, क्योंकि इस समाज के महिलाओं को ब्लाउज पहनने का अधिकार, अस्तन ढकने का अधिकार नहीं था, कपड़ा नहीं पहन सकती थी ऊपर से। अगर कोई भी महिला अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की कोई भी महिला अगर कपड़ा पहन लेती थी तो उनको दंड दिया जाता था। कौन सा दंड?
टैक्स लगाया जाता था, कर दिया, अंकर लगाया जाता था। तो उन्होंने हिम्मत करके पहन लिया, और क्योंकि खाने का भी जब नहीं होता था तो टैक्स कहां से देंगे, इसकी शिकायत जाती अंग्रेजों के पास। जब जाती अंग्रेजों के पास तो अंग्रेज अफसर आता है कि आपने कानून का उल्लंघन किया है और आप टैक्स दीजिए, तो वो रो पड़ती है और कहती है कि साहब हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो हम टैक्स कहां से देंगे। तो जिसके कारण हमारा टैक्स लग रहा है वो हम अपने पास ही नहीं रखेंगे, तो अपने दराती से, जो हसिया होता है गांव में बोलते हैं, उस हसिया से अपने एक चेस्ट काट के, अपना एक चेस्ट काट करके उस अंग्रेज के हाथ में दे देती है। और वो अंग्रेज अफसर रोता है, फिर जाकर कि ये बात बताता है वहां पे कि सर ऐसे ऐसी बात है, फिर वहां पर वो कानून बनता है कि ये सारी चीजें बंद किया जाए। तो ये उसके बाद से ये हमारे बहन, माँ, बेटी सबको ब्लाउज पहनने का, कपड़े पहनने का, स्तन ढकने का अधिकार मिला। पढ़िया उन लोगों को, ये भाषण सुनकर के बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। इसको अपने जीवन में जितना इंप्लीमेंट करेंगे, जितना अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी बदलाव होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने आप को बदलना ही होगा। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने जीवन में हर उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हो जिनको आपको संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सबको दे दिया था, तो आप अपने को बदलिए। कि हम अपने आप से शुरू करते हैं कि मैंने जो त्रिशूल पंचशील हमने ग्रहण किया है कि मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूँ, मैं धम्म की शरण जा रहा हूँ, मैं संघ की शरण जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं पहला सील का अर्थ है पाणातिपाता वीरमणि शिक्षा पदक समाधियामि, मैं प्राणी हत्या ना करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, आदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदक समाधियामि, मैं चोरी ना करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, कामेश मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदक समाधियामि, मैं किसी के भी बहन बेटी के साथ दुराचार, अनाचार, बेविचार, बलात्कार ना करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुसावादा वीरमणि शिक्षा पदक समाधियामि, जितने भी प्रकार के जो झूठ है, चुगली है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ऐसा नहीं करने की मैं संकल्प ग्रहण कर रहा हूँ, और सुरा मेर मज्ज पमादत्थाना वीरमणि शिक्षा पदक समाधियामि, और मैं जितने भी प्रकार की नशा पता की सारी चीजें हैं उन सबको मैं ना ग्रहण करने की संकल्प करता हूं। क्या आप लोग इस चीज को ग्रहण कर रहे हैं सही मायने में? हाथ उठाइए। ये पंचशील कितने लोग पालन करेंगे? हाथ उठाइए। सही में बहुत साधुवाद आप लोगों को। दूसरा, ये हमारे जीवन के सुख का आधार है। साधु, आप लोग बोलते हैं साधु, साधु का मतलब होता है साधक। ये बाहर घूमने वाले जटा जुट रखा है वो साधु नहीं है। साधु का मतलब होता है साधक। कौन साधक? जो अपने आप को सील, समाधि और प्रज्ञा पे साध लेता है, अपने वाणी को, अपने मन को, अपने काया को साध लेता है, उसको साधु बोलते हैं। जो जागरूकता होकर के काम करता है, बुद्ध कौन है? जो हमेशा जागरूक है, उनको जागरूकता है कि मेरे द्वारा किया गया कोई भी ऐसा गलत कार्य दूसरे के जीवन में दुख लाने का काम ना करें। तो इसलिए हम सील सदाचार का पालन करें, सही मायने में जीवन बदल जाएगा। और दूसरा है कि आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाइए। अगर सही मायने में आगे बढ़ना है तो उच्च शिक्षा आपको दिलानी ही पड़ेगी। अगर आप उच्च शिक्षा नहीं दिलाए, वो लोग कहते हैं ना, इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, मेरा टाइम हो रहा है बस इसलिए मैं थोड़ा कंक्लूजन करूंगा, कि दसवीं पढ़ लिया, बारहवीं पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद चले गए बंबई, चले गए दिल्ली, या कोई नौकरी मिल गई। आपको अगर सही मायने में समाज के लिए अच्छा काम करना है, थिंक टैंक बनना है, तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, आपको एमफिल करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको समाज की जो व्यवस्था है, समाज की उन व्यवस्थाओं जिनके कारण हमारी जो दशा है,
दुर्दशा है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, जब ये प्रश्न उठाएंगे तब आप अपने समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। अन्यथा हम तो टीवी बीवी में मस्त है और उसके बाद हमको मिल जाता है टाइम तो हम पिकनिक मनाने चले जाते हैं। ऐसे समाज नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो खुद को पहले बदलो, खुद को एग्जाम्पल बनो कि मैं जो संकल्प कर रहा हूँ, कर रहे हो, मैं उसको आज से लेकर के अंत तक निभाने का काम करूंगा। तभी सही मायने में ये कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना भी सफल होगा और ये जो आपके आयोजक गण है इनका भी ये प्रयास जो सराहनीय प्रयास है तभी ये भी सफल होगा। क्योंकि ऐसे तो बहुत प्रोग्राम होंगे, बहुत सारी चीजें होंगे, लेकिन जब आप उसको धारण करने का काम करेंगे, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, जो भी, चाहे वो भंते जी के माध्यम से आपको मिल रहा अच्छी चीजें, चाहे उपासक के माध्यम से मिल रहा अच्छी चीजें, चाहे किसी अवसर के माध्यम से आपको अच्छा चीजें मिल रहा है, उसको ग्रहण करने का काम कीजिए, अपने परिवार में लागू करने का काम कीजिए और किसी का दोष मत दीजिए। आपको बोलते हैं आज भी आप मंदिर में क्यों जाते हो, बोलता है उनका शास्त्र बोलता है कि वह नॉट एबल नॉट इंटर द टेम्पल, वो बार बार बोलता है लेकिन फिर भी जाते वही। अभी कुछ दिन पहले कोई किसी दूल्हे की पिटाई हुई है किसी साउथ इंडियन वेस्ट यूपी में, वो लड़का गया था जबरदस्ती पूजा करने के लिए, मार मार के उनको भगा दिया। क्यों जाते हो? तो आप अपने स्वाभिमान को बचाइए, अपने सम्मान को बचाइए और ये जो संकल्प है जो कोई लोग बोलेंगे सिर्फ सुनना नहीं, इसको ग्रहण करना, तभी जीवन में सफलता मिलेगी, तभी जीवन में आगे बढ़ना बढ़ने का जो अवसर आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से मिला, तभी आप उसको सही से सदुपयोग कर पाएंगे। और मैं अपनी वाणी समाप्त करने से पहले आप लोगों को एक और राय देना चाहता हूं कि जितने भी स्पीकर आए, लिमिटेड आए, वो सही रास्ता बताए। मेरा आग्रह ये है कि जो भी कहीं का भी ऑर्गेनाइजर या बहुत सारे संस्थाओं के ऑर्गेनाइजर हैं, मेरा आग्रह है कि आप लोग जितने भी वक्ताओं को बुलाए वो सही समय में जितना थोड़ा बोले, लेकिन जितना भी बोले वो परफेक्ट बोले, अच्छा बोले, समाज को सही गाइड करें। ये नहीं कि आप लोग हजार वक्ताओं को बुलाए और भी बार बार उसी का रिपीटेशन हो, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा होने से टाइम जाता है और टाइम जाने के कारण जो सही मायने में सुनना है सुनाना है नहीं सुन पाते लोग। तो हम बहुत साधुवाद करते हैं आप सब का कि आप सब यहाँ पर आए हैं और आशा करते हैं कि जिनके घर में संविधान की बुक नहीं है आप संविधान खरीद लेंगे और उसको पढ़ने का काम करेंगे। मैंने माना कि बुद्ध के विरोधी बहुत हैं, मैंने माना कि बुद्ध के विरोधी बहुत हैं, मगर ज्ञान का कोई विरोधी नहीं। मैंने माना कि बुद्ध के विरोधी बहुत हैं, मगर ज्ञान का कोई विरोधी नहीं। हर मर्ज की दवा एक बुद्ध का धम्म है, हर मर्ज की दवा एक बुद्ध का धम्म है, कौन इस जमाने में रोगी नहीं। आप सबको साधुवाद, आप सबको मंगल कामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप सब अपने जीवन में धारण करेंगे तो आप सबका मंगल होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।